क्वेश्चन है आपका 2020 जी 2020 आपको दिया है। इफ द फंक्शन इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन इंटरवल गिवन है -1/3 to 1/3 बाय बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x log बेस ई 1+3x डिवाइडेड बाय 1 - 2x व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड के व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कंटिन्यूअस देन के इक्वल्स टू देन के इक्वल्स टू आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राई कीजिए। मतलब आपको दिख रहा है आपको उसे शो करना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होगा तभी तो आपका फंक्शन फाइव आ रहा कंटिन्यूअस है। फाइव होगा। वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर इज फाइव। देखो जिनका नहीं हुआ है वो देखिए जरा क्यों हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x लॉग में डिवाइड का मतलब होता है आपका माइनस तो ये हो जाएगा लॉग 1+3x माइनस लॉग 1 - 2x। ठीक है इसे आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग 1+3x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस लॉग 1 - 2x डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखो आपको तुरंत बस याद आना चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट यदि लॉग में 1+x होता है और नीचे आप एक्स दे दें तो आंसर इज वन। अब यहाँ पे 3 चाहिए था आपको तो 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको -2 दिया है ना तो इसे मैं लिख दूँ ऐसे -2 दे दिस ठीक है और यहाँ पे -2 देखो जरा ये वाला पार्ट आपका 1 हो गया ये जो होगा ये 1 हो चुका है और ये भी आपका 1 हो गया तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट हो जाता 3 है और यहाँ पे -(-2) तो आंसर इज 5। देखो क्लियर है क्या। क्लियर चलिए नेक्स्ट एक और गलती दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन इज
A function f is defined on minus pi by 6 to pi by 3 by fx is equal to root 2 cos x. लिखा है रूट टू कॉस एक्स माइनस वन बाय कॉट एक्स माइनस वन एक्स नॉट इक्वल्स टू पाई बाय फोर के व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर इज कंटिन्यूअस देन के इज इक्वल टू ऑप्शंस आपको गिवन है. Option A is 2, B is 1 by 2, C is 1 by 2. Question is aapka 2019. Try karenge. सॉल्व करके रिप्लाई करेंगे. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी वेरी गुड. बाकी सर वो सेम थिंग मुझे करनी है यहाँ पे भी. आपको यही तो करना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बाई फोर आपको शो करना. ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर ऊपर वाला फंक्शन आएगा रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस वन. ये आपका इक्वल्स टू क्या रहा है के इक्वल इक्वल्स टू क्या है आपका के है ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जरा जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है ना. ये आपका वन बाई रूट टू आएगा. ये रूट टू इंटू वन देखो ये हो जाएगा रूट टू इंटू वन बाई रूट टू. ये कट जाएगा बच्चे वन माइनस वन ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो. लॉपिटल रूल लगा लो है ना. अप्लाई लॉपिटल क्या आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म है. जब अप्लाई करोगे आप तो रूट टू एज इट इज कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स है ना. वो भी नेगेटिव का वन का जीरो कॉट एक्स का हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वन का जीरो. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल लिमिट हो गया आपका एक्स टेंडिंग टू पाई बाई ठीक है. ऊपर वाला हो जाएगा आपका रूट टू इंटू वन बाई रूट टू पाई बाई फोर पे और कॉसेक हो जाएगा आपका रूट टू का स्क्वायर आंसर हो जाएगा वन बाई टू. तो यही तो आपका के है. ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है नेक्स्ट लिखिए.
the continuity of function. X is equal to summation n varies from 0 to infinity x to power n upon n factorial log a to power n at x not equals to 0, 1, when x is equal to 0. आपसे पूछ रहा है is the function fx continuous everywhere? यानी हर जगह कंटिन्यूस होगा या नहीं? कंटिन्यूस एवरीवेयर. बताएंगे ऊपर वाले का समिशन ओपन करो. ओपन करते देखो आपको दिखाई देगा. ओपन कीजिए समिशन. देखिए सर ऊपर वाला यदि ओपन करें हो जाएगा आपका लिमिट. देखो यहाँ पे देखिए जरा ऊपर वाला फंक्शन एफ एक्स जब लिमिट आपका चल रहा है एक्स टेंडिंग टू जीरो ये लिखा है आपका समीशन. समीशन का मतलब है आपका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है. आप स्टार्ट कर रहे हैं उसे जीरो से और जा रहे हैं आप इन्फिनिटी तक. तो जब आप जीरो रखोगे तो देखो एक्स टू पावर जीरो वन होता है एन फैक्टोरियल मतलब जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है और किसी की पावर आप जीरो लेते हो तो वन आता है. तो पहला तो वन है. फिर आपने एक्स को क्या एन को कितना रखा वन रखा तो हो जाएगा एक्स लॉग ए. फिर आप टू रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर. फिर आप थ्री रखोगे तो ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल लॉग ए का क्यूब और ऐसे ही चलता जाएगा. और आपको पता है किसका एक्सपेंशन है? ये एक्सपेंशन होता है ए टू पावर एक्स का. ये ए टू पावर एक्स ही तो होता है. एक्सपेंशन में हमने सीखा था ए टू पावर एक्स ये किसके इक्वल होता है ए टू पावर एक्स के. तो मतलब एक्चुअल में फंक्शन आपको क्या दिया था जो एफ एक्स दिया था वो ये गिवन कह रहा था ए टू पावर एक्स होगा एट एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पे और वन होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब देखिए जरा यदि आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगाएंगी
एट पावर एक्स में तो ये आएगा 8 पावर 0 इज इक्वल टू जवाब, और वही आपका क्या है एफ जीरो। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एवरी वे। यस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरी वे, एवरी वे फंक्शन हर जगह आपका कंटिन्यूस। ठीक है, मैम एक बार और समझिए तो लास्ट वन। लास्ट वाला देखो, पहली बात तो मुझे ये जो एक्सटेंशन लिखी हुई है ये ए टू पावर एक्स की है ना, तो ये जो थिंग था ना ये वाला, इसकी जगह मतलब ए टू पावर एक्स लिखना है, क्योंकि सिर्फ उसने समेशन के फॉर्म में आपको दिया। जब एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो ए टू पावर एक्स के पास क्या जाएगा, जीरो, और ए टू पावर जीरो होता है वन, और वही आपकी फंक्शन की वैल्यू है। तो हम लोगों को मिल गया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, इतने फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। चलिए अब हेडिंग पुट करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। Continuity of special type of functions. इसमें फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिखिए इसमें फर्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन विच fx डिफाइंड, fx defined differently for rational and irrational, rational and irrational values of x, values of x, of x, देखो कैसे कुछ फंक्शन की बात कर रहे हैं, आपको कह रहा है कि फंक्शन आपका ऐसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको कुछ दे रहा होगा एफ एन एक्स, एन एक्स इज रेशनल, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, या आप बोल दें इसका मतलब है एक्स इज रेशनल है ना, और एफ टू एक्स आपको दिया देन एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, या एक्स इज इरेशनल, इरेशनल व्हेन एक्स इज इरेशनल। ठीक है, ऐसे फंक्शंस की कंटिन्यूटी कहाँ पे आप डिफाइन करते। अब इसमें देखिए आपका ये फंक्शन पॉइंट वाइज कंटिन्यूस होता है ना, मतलब ये फंक्शन उसी पॉइंट पे सिर्फ कंटिन्यूस होता है जहाँ पे आपके ये दोनों बराबर हो जाए, जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका बना के कि फंक्शन इज कंटिन्यूस ओनली वेयर फंक्शन is continuous only where f1 is x is equal to f2x,
f1x is equal to f2x. f1x is equal to f2x. देखो क्यों होता है. फॉर एग्जाम्पल लीजिए, यदि हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज मैंने आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट. अब आपको दिख रहा है कि मान लीजिए एक कोई भी एक नंबर है आपका, है ना, लेट ए बी एनी पॉइंट, लेट हमने लिया x इज इक्वल टू ए बी एनी पॉइंट, ठीक है. आपको पता है कि जब रियल लाइन में आप प्लॉट करते हो, देखो थियोरेटिकली देखो, तो हर एक रैशनल के बाद एक इरेशनल आता है. ऐसे ही तो होते हैं रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल. हम एट में पढ़ते हैं ना कि दो रेशनल के बीच में आपको इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलता है, ऐसे दो इरेशनल नंबर के बीच में आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलता है. तो सोचिए जरा, एक कोई भी पॉइंट रहा, मान लीजिए ए आपका रेशनल ही था. आपको पता है जैसे ही आप ए माइनस लोगे, जैसे ही आप ए माइनस लोगे, सपोज ए आपका क्या था, इरेशनल था, या ए कोई भी पॉइंट चले मान लो. सोचो जब आप ए माइनस लोगे तो या तो बचा वो जीरो आएगा या वन आएगा, यही तो होगा, या तो वो जीरो होगा या वन होगा. सपोज वो यदि रेशनल था तो उसके जस्ट पहले एक इरेशनल नंबर मिला होगा, है ना. ऐसे जब आप ए प्लस लोगे, ए प्लस लोगे तो वो भी ऐसे कुछ आएगा, तो जीरो आएगा वन आएगा, क्योंकि डेंस सेट है. रियल नंबर क्या होता है, डेंस सेट होता है. ये बहुत पास पास में नंबर्स है, बहुत पास पास में ऐसे लिखे हुए, मतलब ये आपको ऐसा दिखेगा, ये डेंस लाइन दिखेगी कि एक इरेशनल नंबर आया तो इसने दिया तुरंत तो वन, ये जीरो वन जीरो ऐसे बिल्कुल ऐसे. ये ऊपर ये भी पूरी डेंस लाइन है और नीचे भी पूरी डेंस लाइन. तो आप थोड़े भी आगे बढ़ोगे तो इधर और इधर आपका चेंज हो जाए. तो फंक्शन कैसा करता है, हमेशा ऑसिलेट करता है ना. तो इसमें कभी भी इक्वल नहीं हो पाता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. क्योंकि देखो कभी भी हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस उसी पॉइंट पे हो सकता था जब ये दोनों इक्वल हो जाए. क्या कभी जीरो इज इक्वल टू वन होगा, नहीं होगा. और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, थोड़ा पहले जाओगे तो इसमें से कोई वैल्यू मिलेगी, बाद में जाओगे इसमें से कोई वैल्यू नहीं. आपको नहीं पता आप कितना आगे कितना पीछे जा रहे हैं, तो वैल्यू लगातार चेंज हो रही है ना, हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है. जीरो दे रहा है वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ऐसे जा रहा है जीरो वन जीरो वन दे रहा है, ठीक है. तो ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस हर जगह. फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस हर एक पॉइंट. देखो जरा एक समझ आया क्या, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, बताओ जरा. मैम और एक बार देखो, ऐसे बच्चे समझिए, मान लीजिए कोई रियल लाइन है, जब आप इस पर मुझे बात कर रहे हो तो आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल आपके कॉन्सिक्यूटिव आते हैं, लगातार आते हैं, और ये बहुत ही डेंस सेट होता है, बहुत ही डेंस सेट होता है. अब देखिए जरा, सपोज ये आपका रेशनल था, है ना, तो तुरंत एक इरेशनल नंबर आया होगा ऊपर, फिर ये रेशनल इरेशनल, मतलब ये ऐसे चलता जाता है. तो आपको देखेगा ना ऐसे दिख रहा है. मैम हाँ बोलो. बहुत लेट से शो, लेट से शो कर रहा है. तो उसमें मैं थोड़ा से दिक्कत होता है, मैं थोड़ा ये प्लॉट करके छोड़ देती हूँ, शो करने का. देखो ये तो सबको पता है ना बच्चे, ये पहले पढ़ा है ना हम लोगों ने कि दो रेशनल के बीच में आप कितने भी इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, दो इरेशनल के बीच में आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिलते हैं, पता है ना सबको. जब एक रियल लाइन प्लॉट होती है तो आप सोचिए जरा, यदि आप किसी भी पॉइंट पे तो उसके पीछे थोड़े से पीछे जाओगे, थोड़ा सा भी आप पीछे गए तो आपको रेशनल इरेशनल कुछ भी मिलेगा. ये तो डेंस सेट है ना, ये बहुत ही ऐसा सेट है, इसमें बहुत बच्चे ये रिटर्न सेट है, हर एक रेशनल के बाद इरेशनल, रेशनल के बाद इरेशनल. तो आप यदि रेशनल पे भी खड़े हैं, आप थोड़ा सा उसमें से माइनस करोगे, है ना, पीछे जाइए आप, तो आपको क्या मिलेगा, एक या तो रेशनल मिलेगा इरेशनल मिलेगा. आपको नहीं पता है आप कितना पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये डेंस सेट है, इसमें लगातार नंबर आ रहे हैं और लगातार ऐसे आ रहे हैं कि रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल, ऐसे.
ठीक है, तो या तो आपको जीरो मिल रहा होगा या आपको वन मिल रहा होगा। ऐसे जब आप प्लस में जाओगे या तो जीरो मिलेगा या वन मिलेगा, आपको नहीं पता है क्या मिलेगा। फंक्शन ऑसिलेट कर गया है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो पाया। कंटिन्यूस होता सपोज यदि ए रेशनल है, ए को आपने रेशनल लिया है, तो यहाँ पे दोनों जगह बस आपका रेशनल होने पर वैल्यू वन है, ये जीरो है, तो यहाँ दोनों पे जीरो वैल्यू आती तभी तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता। पर दोनों से जीरो आएगी हम गारंटी तो नहीं ले सकते, ये हम लोग गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि आपका फंक्शन ऑसिलेट कर गया है। ठीक है, इसका इन नोट कॉपी कर लेंगे, फिर सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, जरा सेकंड एग्जांपल। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स, इफ एक्स इज रेशनल, इफ एक्स इज इरेशनल। Irrational is continuous. Continuous when x is equal to 1 by x, तो बताइए x की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है? क्या होगा आपका, ये देखो कंटिन्यूस व्हेन जीरो नहीं, एफ वन एक्स इज इक्वल टू बचे एफ टू एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स, इट मीन्स टू एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स कितना आएगा वन बाय टू, वन बाय टू। हाँ, तो ये कंटिन्यूस होगा सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू के लिए। आप लिख लीजिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। क्योंकि वन बाई टू के यदि आप लेफ्ट में गए, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर मिला आपको, तो वो भी आंसर वन बाई टू देगा क्योंकि एक्स की वैल्यू वन बाई टू है। और यदि वो इरेशनल भी हुआ तो तब भी वो वन माइनस वन बाई टू देगा, कितना होगा वो भी वन बाई टू होगा।